अरे ये क्या कर रहे हैं आप भाई साहब? हम आपको लाइन में खड़े हुए नजर नहीं आ रहे, लाइन में लगे आप। ओ भाई मुझे बहुत जल्दी है। और हम जो यहाँ खड़े हैं फारिग हैं क्या बिल्कुल? ये क्या तरीका है भाई साहब? आप प्लीज लाइन पे लग जाएं। अजीब इंसान हो। और जाओ अजीब और गरीब लाइन में लगो। देखा तुमने, इनके कान देखो, इन जाहिल लोगों को रोड पे उतरने की तमीज नहीं है यार, बल्कि मुझे यकीन हो गया इस बात का कि किसी चीज की तमीज नहीं है। शुक्र है अल्लाह का भाई, मेरी तो इस मुल्क से बहुत जल्दी जान छुटने वाली है, शुक्र है उसका। अरे फरहान रिलैक्स हो जा मेरे दोस्त, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है यार? अजीब बात कर रहे हो, हाल देखा तुमने इनका? शॉप पे होते हैं तो लाइन तोड़ते हैं, रोड पे होते हैं तो सिग्नल तोड़ते हैं, रॉन्ग वे आते हैं, या हो क्या रहा है यार? तुम कह रहे हो कि मैं गुस्सा ना करूं? अब छोड़ो भी यार, अपना मूड ठीक करो, वैसे ही पाकिस्तान में चंद दिनों के मेहमान हो। क्या मूड ठीक रखे यार। जो मदीना के रियासत के असूल है, इंशाल्लाह मैं आपको वो पाकिस्तान में लेके आता रहूंगा। अब इनका हाल देखो, ये पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाएंगे। रियासत मदीना तो छोड़ो, यहां तो सिर्फ रियासत ही नहीं रही, आवे का हवा बिगड़ा हुआ यार। तो क्या गलत कह रहे हैं ये? क्या पाकिस्तान को रियासत मदीना नहीं बनना चाहिए? क्या अपने मुल्क के बारे में अच्छा सोचना नहीं चाहिए? सोचो, जरूर सोचो, और उसके बाद अपनी सोचों में, निसाब की किताबों में, इल्मी गुफ्तगू में, और खासकर अपनी तकरीर में रियासत मदीना बनाओ और उसी में रहो। तुम्हारी ये रियासत मदीना तुम्हें मुबारक हो यार, प्लीज मैं जा रहा हूं। अरे तुम कितनी आसानी से बोलकर मुल्क छोड़कर जाने की बात कर रहे हो? कि इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? शायद है, लेकिन यार मैं ये समझता हूं कि इस मुल्क का समाजी और अखलाकी तौर पर बेहतर होना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि बजाय इसके यहां रहकर एक तकलीफदेह जिंदगी गुजारूं, मैं अपने खानदान के साथ एक किसी पुरसकून मुल्क में खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहता हूं। यार यहां रहकर तो मैं कुर्ता ही रहूंगा भाई, मेरी बर्दाश्त नहीं। अच्छा चलो छोड़ो ना यार, अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब करे, वैसे ही तुम चंद दिनों के मेहमान हो। अब जाते जाते ये सीरियस गुफ्तगु तो मत करो ना। क्या करूं, कमाल है। हाँ भाई हमजा, फरहान खैरियत से पहुंच गया? जी अबू, कुछ देर पहले उसी से बात हुई है। मुझे अंदाजा है तुम उसे बहुत मिस कर रहे हो, आखिर बचपन की दोस्ती है भाई। जी ये तो है, पर अनजाने ना जाने अब वो कब वापस आएगा। क्यों भाई, ऐसा भी क्या है, आता जाता रहेगा? नहीं अबू, मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी आएगा या फिर सोचता भी इस बारे में। क्यों बेटा, जाते वक्त तुमसे कुछ इस तरह की बातें की? नहीं उसने ये तो नहीं कहा, लेकिन उसकी बातों से मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो पाकिस्तान के हालात से शदीद मायूस और दिल बर्दाश्ता है, यहां तक कि वो पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने की सोच से भी ना उम्मीद है। वो तो कहता है कि ये सोच एक खोखला ख्वाब है और मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना कोई फर्ज
और किरदार नहीं देखता। तो क्या वो गलत कहता है? तो आपके ख्याल में क्या वो ठीक कहता है, सही सोचता है? तुम बताओ, क्या वाकई पाकिस्तान के हालात काबिले इत्मीनान हैं? तुम अच्छी तरह जानते हो ऐसा नहीं है। इस मुल्क में तहजीब, तालीम और तरबियत और अखलाकियात का फुकदान बढ़ता जा रहा है। फरहान और हम में सिर्फ इतना फर्क है कि उसने इस हकीकत को तस्लीम किया और यह मुल्क छोड़कर चला गया। तुम्हारे ख्याल में उसने इस मुल्क की तामीर और तरक्की और इसे रियासत मदीना बनाने में अपना किरदार अदा नहीं किया? तो बेटा, दूसरी तरफ हमने ऐसा कौन सा मुनफरिद फरीजा अंजाम दे दिया जिससे इस मुल्क में इखलाकी और समाजी हालात बेहतर हुए? हम भी तो औरों की तरह हालात के धारे में बहते जा रहे हैं। लेकिन अबू, हमारे तमाम मसाइल की असल वजह तो गुर्बत है। जब तक मुल्क माशी तौर पर मुस्तहकम नहीं होगा, तब तक बाकी मसाइल कैसे हल होंगे? बेटा, ये तुम्हारी सोच है, जरूरी नहीं है कि ठीक भी हो सकता है कि हमारे सारे मसाइल का हल माशी तरक्की के अलावा कुछ और भी हो। मेरा तुम्हें मशवरा है कि अगर तुम्हारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान रियासत मदीना बने, तो बेटा पहले यह जानने की कोशिश करो कि रियासत मदीना क्या थी, मीसाक मदीना क्या है और वहां बसने वाले लोगों का तर्ज जिंदगी कैसा था। फिर यह फैसला करो कि यह मुल्क रियासत मदीना बन सकता है और बन सकता है तो कैसे। बेटा, आजादी के इतने बरसों बाद मैं ये समझ पाया हूं कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और जिसकी बुनियादों में सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी की दास्तानें हैं। शायद हमारी कौम ने आजादी जैसी नेमत को पहचाना ही नहीं और ना ही उसका हक अदा किया। और अल्लाह ताला नेमतों की नाशुकरी सख्त नापसंद करता है। बाज दफा तो मुझे खौफ महसूस होता है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरह नहल आयत 112 में जिस कौम की मिसाल दी है, कहीं हम वैसे तो नहीं है। अब्बू, उस आयत में क्या लिखा है? बेटा, अल्लाह ताला उस आयत में एक ऐसी बस्ती की मिसाल देते हैं जो हर तरह अमन चैन से आबाद थी, रिज़्क उन्हें बाफरागत मिलता था और फिर उन्होंने अल्लाह की नेमतों की नाशुकरी की और अल्लाह ने उनके अमाल के सबब उन्हें भूख और खौफ में मुब्तला करके नाशुकरी का मजा चखा दिया। बहैसियत कौम हमें अपने अमाल का जायजा लेने और अल्लाह ताला से माफी मांगने की अशद जरूरत है। हो सकता है रब्बे करीम हमारी गलतियों को नजरअंदाज करके हमें एक मौका और दे दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले सब अहले वतन को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। हमारा 74वां जश्न आज़ादी आ गया है, हम मना रहे हैं
सड़कों पे भी मनाते हुए नजर आ रहे हैं, मजारों पे भी बाजे बजा बजा के मना रहे हैं, कभी बाइक पे उल्टे लेट के उसको मना रहे हैं। इतना खास मौका है, हमने इतना कुछ इस मुल्क से लिया, लेकिन आज हमारा मुल्क हमसे सवाल करता है कि क्या हमने अपने पाकिस्तानी होने के नाते अपने फराइज अदा किए। इस सवाल का जवाब देने के लिए बहुत से लोग मौजूद थे, आपके जहन में आ रहा होगा। आज खास दिन के मौके पे हमने किसी बहुत बड़े सियासतदान को, किसी स्टार को बुलाया होगा। जिस शख्सियत को आज हमने यहां पे मधु किया है, उनकी खास बात यह नहीं है कि उन्होंने कोई भी मस्जिद भी नहीं बनवाई, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई स्कूल नहीं बनाया, तो आखिर वो स्टूडियो में कर क्या रहे। एक मुस्बत सोच पूरे माशरे को बदल सकती है। जी हां, हमारे मेहमान आज अपनी उस तहरीक के बारे में हमें बताएंगे जिसने हमारे इस माशरे को एक मिसाली माशरा बनाने में पूरी पूरी मदद की है और मदद की जा रही है। जनाब, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हमजा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और आपको बहुत बहुत जश्न आजादी मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मधु करने का। मेरी जानिब से आपको और तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आजादी मुबारक। हमजा, ये बताइए कि ये जो आइडियोलॉजी है, ये तहरीक रियासत मदीना, ये सोच कहां से ही, क्या चीज थी जो आपको मोटिवेट करके यहां तक ले आई? ये चंद अरसे पहले की बात है, जब मेरा बहुत अजीज दोस्त इस मुल्क के हालात की वजह से बहनों ने मुल्क चला गया था। उसके जाने की वजह माशी हालात नहीं थे, बल्कि दरअसल माशरती हालात थे। इसी दौरान मुल्क को रियासत मदीना बनाने की बातें भी की जा रही थी, और मुझे ये भरपूर उम्मीद थी कि पाकिस्तान रियासत मदीना की यकीनन झलक बन जाएगा। इस यकीन की सबसे बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया। जिस तरह रियासत मदीना वो पहली रियासत थी जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आई थी, इसीलिए मेरा ये यकीन है कि इस्लाम और पाकिस्तान दोनों यकजा हैं। मगर शायद फर्क ये रहा कि मदीने की गलियों में इस्लाम था, और हमारी सिर्फ किताबों और जुबान पर। यहां मेरा मतलब इनफरादी इबादत नहीं, बल्कि इस्लाम के मुताबिक माशरे की तख्लीक है, और जिसमें मुसलमानों के साथ साथ दूसरे मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले अमन, सलामती और बराबरी से रियासती हकूक पाएं और अपने फराइज पूरे करें। ये सब बातें मैं अपने दोस्त को भी बताया करता था, मगर वो नाउम्मीद होकर इस मुल्क को ही छोड़ के चला गया। गो के मुल्क को हकूमती सतह पर रियासत मदीना बनाने की कोशिश की जा रही थी, ताहम मुझे कुछ अरसे बाद महसूस हुआ कि शायद रियासत मदीना के सफर में कुछ कमी है। मतलब ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस हुआ? दरअसल जब मुल्क में रियासत मदीना का तस्करा शुरू हुआ, तो मैंने रियासत मदीना को तफसील से पढ़ना शुरू किया। मुझे समझ में आया कि ये रियासत मदीना कोई माशी या सियासी ताकत नहीं थी, बल्कि दरअसल एक माशरती ताकत थी। इसका मतलब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजबूत और मिसाली माशरे की बुनियाद रखी। इसी बुनियाद की वजह से मुसलमानों ने हर शोबे में कामयाबी हासिल की। ये जानने से पहले मैं भी और लोगों की तरह यही समझता था कि इस मुल्क का असल मसला गुर्बत और माश है, और जब तक हम माशी तौर पर मुस्तहकम नहीं होंगे, हम रियासत मदीना नहीं बन सकते। इसके अलावा उस वक्त नेशनल लेवल पर तमाम तर तवज्जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स
और कॉन्सेप्ट्स पर थी जिनका रोजमर्रा अखलाकियात से ताल्लुक नहीं था या बहुत कम था। ये सब देखने और समझने के बाद मेरी सोच में नुमाया तब्दीली आई और मैंने फैसला किया कि इस मुल्क को रियासत मदीना बनाने में अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए उस कमी को पूरा करूंगा। अच्छा हमसे ये बताइए कि वो क्या तब्दीली थी जो आपकी सोच में आई और क्या वो इस कमी को दूर कर सकी? सबसे बड़ी तब्दीली तो ये थी कि मुझे समझ में आया कि रियासत मदीना बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत की नहीं बल्कि माशरे के हर फर्द की है और हम अपने महदूद वसाइल के साथ भी ये मंजिल पा सकते हैं। रियासत मदीना की बुनियाद दीन इस्लाम था और दीन की बुनियाद कुरान मजीद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रियासत कायम की उसमें कुरान मजीद में मौजूद अल्लाह के अहकामात को हकीकी तौर पर माशरे में नाफिज कर दिया जो अपनी जिंदगी में पहले ही नाफिज कर चुके थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, कोई हाईवे नहीं बनाया, बुलंदो बाला मारती नहीं बनाई, बनाया तो नाकिस को कामिल, गैर जिम्मेदार को जिम्मेदार, बेईमान को ईमानदार और सबसे बढ़कर एक आम इंसान को मोमिन। तो अगर आज हमने अपने मुल्क को रियासत मदीना बनाना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाना पड़ेगा, अच्छा इंसान बनना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा, अमली तौर पर अपनी माशरती जिम्मेदारियां दीन के मुताबिक हमें समझनी पड़ेंगी और अदा करनी पड़ेगी और माशरे में अच्छाई की तरगीब देनी होगी। नहीं हमजा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, कमाल बातें, क्या खूबसूरत बातें आप कर रहे हैं। मुझे ये बताइए माशरे के अंदर प्रैक्टिकली होगा कैसे ये? बिल्कुल उसी तरह जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। उनकी जाते मुबारका का कमाल ये था कि उन्होंने मिनिमम वसाइल में मैक्सिमम रिजल्ट हासिल करके दिखाया। अगर आज हम अपने वसाइल का मवाजना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनियावी वसाइल से करें तो यकीनन हम आज के वसाइल को बेहतर पाएंगे मगर माशरे को बहुत पीछे पाएंगे क्योंकि शायद हम दीन के मुताबिक अपनी माशरती जिम्मेदारियां जानते ही नहीं या फिर अदा ही नहीं करना चाहते। इसीलिए माशरे में इन जिम्मेदारियों के बारे में हम जोर भी नहीं देते। आज हमारी तहरीके रियासत मदीना से वाबस्ता हर शख्स एक ईंट है जो रियासत मदीना की दीवारों को मजबूत कर रहा है। हमारी मंजिल रियासत मदीना के ईमान वाले वो मकीन है जिसके बारे में अल्लाह सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत नंबर 2 में फरमाते हैं वल्लजीन आमनू और वो लोग जो ईमान लाए व आमिनुस सवालिहाते और अच्छे अमल किए व आमिनु बिमा नुज़िला अला मोहम्मदीन और उस पर भी ईमान लाए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम पर नाजिल किया गया वहुवल हक्को मिर रब्बिहिम जो उनके रब की तरफ से हक है कफ्फरा अनहुम सय्यातिहिम तो उसने उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दी व असलाहा बालहुम और उनकी हालत को सवार दिया। सुभान अल्लाह, ब्यूटीफुल, दिल खुश कर दिया। मुझे ये बताइए कि आपने अपनी मंजिल पाने के लिए आपकी तहरीक ने किन किन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर फोकस किया? हमारे लोग बहुत मुहिब्बे वतन हैं और एक अच्छा माशरा चाहते हैं। हमने इस तहरीक में कोई बड़ा टारगेट नहीं रखा बल्कि छोटी छोटी बातों पर तवज्जो दी। सबसे पहले हमने लोगों में ये उम्मीद जगाने की कोशिश की कि अब भी हम अपने महदूद वसाइल और मसाइल के साथ अपने माशरे को बेहतर बना सकते हैं। फिर हमने अपनी तहरीक में शामिल होने वाले लोगों से ये अहद लिया कि वो दीन के मुताबिक अपनी माशरती जिम्मेदारियां समझेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा
रियासत मदीना को जानेंगे ताकि इससे मुआजना करके आज अपने फराइज को पहचानेंगे। रियासत पाकिस्तान के तमाम कवानीन की पासदारी करेंगे। हमने किसी बड़े फलाई प्रोजेक्ट की बुनियाद नहीं रखी, लेकिन हमने इस तहरीक में शामिल होने वालों से इनफरादी तौर पर अहद लिया कि वो अपनी प्रोफेशनल और माशरती जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से सरंजाम देंगे और माशरे में कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे जो रियासत मदीना के असूलों के खिलाफ हो, जैसे कानून तोड़ना, कम तोलना और अपनी सरकारी जिम्मेदारियां ना निभाना, इंसाफ के तकाजे ना पूरे करना, नफरतें पैदा करना, ना उम्मीदी फैलाना, पीठ पीछे बुराइयां करना, इस तरह का हर वो अमल जो माशरे के लिए नुकसानदेह। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं एंड आई टोटली अग्री विद यू। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं अब तक आपकी इस तहरीक का रिजल्ट क्या निकला? अल्हम्दुलिल्लाह, आज इस तहरीक की बदौलत हमने माशरे में बहुत तब्दीलियां देखी, जिससे माशरे की शक्ल तब्दील होना शुरू हो गई। आज हमारी तहरीक में शामिल पाकिस्तानी उन जिम्मेदारियों पर अलर्ट रहते हैं जो उनकी बस में है। मसलन वो ट्रैफिक कवानीन की भरपूर पासदारी करते हैं, ईमानदारी से टैक्स देते हैं, रिश्वत से गुरेज करते हैं, अपनी दफ्तरी जिम्मेदारियां भरपूर तौर पर निभाते हैं, फिरकावारी से बचते हैं और भाईचारे की तलकीन करते हैं, गीबत करने और सुनने से बचते हैं। जो मीडिया से मुंसलिक है वो ऐसी प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं बनते जो माशरे की अखलाकियात पर बुरा असर डाले, बल्कि इसी मीडिया के थ्रू मुस्बत पैगाम पहुंचाते हैं। सबसे अहम बात यह कि रियासत घरों से बनती है। हमारी तहरीक से वाबस्ता लोगों ने सबसे पहले अपने घरों से शुरुआत की और अपने घरों को मिसाली घर बनाया। आपको इन घरों में वालिदैन का एहतराम नजर आएगा, इंसाफ के साथ अपनी जिम्मेदारियां अदा करते रिश्ते नजर आएंगे, औरतों का एहतराम नजर आएगा, बगैर जहेज के सादगी से अदा होने वाली शादी नजर आएगी, बुराई से रोकने वाले और नेकी की तलकीन करने वाले नजर आएंगे, ना उम्मीदी के हालात में उम्मीद की शमा रोशन करने वाले नजर आएंगे। और यही वो घर है जो पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने में अपनी जिम्मेदारियां भरपूर तौर पर निभा रहे। हमजा, आई एम स्पीचलेस। मुझे ये लग रहा है बिल्कुल के, बल्कि मैं नाज़रीन को बताता हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद इस तहरीक का हिस्सा हूं और हमारे जितने पाकिस्तानी हैं जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे, बल्कि होंगे वो इसी तहरीक का हिस्सा है। हमजा, एक आखिरी मैसेज इस यौम आजादी के मौके पर हमारे पाकिस्तानियों के लिए क्या कहेंगे आप? मैं अपने तमाम पाकिस्तानी बहनों, भाइयों और बुजुर्गों से कहना चाहता हूं कि 14 अगस्त 1947 को हासिल करदा आजादी मंजिल नहीं बल्कि सफर का आगाज था, उस सफर का आगाज जिसकी मंजिल रियासत मदीना का कयाम है। और आज उस रियासत को किसी और ने नहीं बल्कि मैंने और आपने ही कायम करनी है, पहले इनफरादी तौर पर और फिर अपने घरों को मिसाली घर बनाते हुए रियासत मदीना का सुतून बनाना है। मैं खास तौर पर अपने उन पाकिस्तानियों से दरख्वास्त करूंगा जो मुल्क के हालात से दिल बर्दाश्ता होकर मुल्क छोड़कर चले गए लेकिन अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और इसे याद भी करते हैं, कि आए हम एक कोशिश और करें और अपना फर्ज अदा करके अपने वतन अजीज के आगे सुरखुरू हो जाएं। आए इस तहरीक में शामिल होकर रियासत मदीना के कयाम में अपना किरदार अदा करें। हम उन कामों से शुरुआत करें जो हमारे इख्तियार में हो, मगर हमने रियासत मदीना के सफर में किसी कुव्वत का इंतजार नहीं करना बल्कि खुद अपनी जिम्मेदारियां समझकर अदा करनी है, वरना यह सफर तवील और कठिन हो जाएगा। अपनी बात का इख्तिताम करते हुए कहूंगा कि ख्वाब गफलत से तुम्हें अब उठना पड़ेगा, बदलने के लिए हालात खुद को बदलना पड़ेगा। जो यूं ही बैठे रहोगे इंतजारे मसीहा में, फिर ता उम्र असीरी ही में तुम्हें रहना पड़ेगा।
कामयाबी और कामरानी का राज है जहदे मुसलसल। हासिले मंजिल के लिए अमले मुसलसल करना पड़ेगा। गर चाहते हो सदा बैठना ऊंची मसनदों पर, बारगाह रब्बे करीम में तुम्हें झुकना पड़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमजा साहब, आप यकीनन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें अपनी इस तहरीक में बच्चों के लिए एक खास प्रोग्राम को तश्कील देने की जरूरत है। और आजकल के बच्चे इतने ज़हीन और टैलेंटेड हैं, आप यकीन जाने अगर हम इस कम उम्री में इनके दिलो दिमाग में जज्बा हुब्बुल वतनी और एहसास जिम्मेदारी जगाने में कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह हमारी मंजिल दूर नहीं। आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें एक डेडिकेटेड टीम की जरूरत है जो जिम्मेदार भी हो और कैपेबल भी। तो क्या आप मुझे इस खिदमत का मौका देंगे? मेरे दोस्त फरहान। हाँ मेरे दोस्त, वतन की कशिश, एहसास जिम्मेदारी और तुम्हारी मोहब्बत मुझे वापस ले आएगी। रियासत मदीना की एक ईंट बनना चाहता हूं यार। मुझे यकीन है पाकिस्तान की हकीकी मंजिल रियासत मदीना ही है, और अब हम इस मंजिल से दूर नहीं है।